दो महान मुस्लिम शासक की कहानी। 1323 में तुगलक ने आंध्रा के काकतीय राज का नाश कर दिया। काकतीय सेना में दो भाई थे जो कमांडर रैंक पे पोस्टेड थे। इन दोनों भाई को बंदी बना लिया गया और दिल्ली लाके इनका फोर्सफुल कन्वर्जन कर दिया गया। पर कुछ ही साल बाद ये दोनों दिल्ली सल्तनत से भागकर किसी तरह दक्खन पहुंचे। श्रृंगेरी मठ के संत श्री विद्यारण्य के अंडर में इन्होंने घर वापसी करके सनातन धर्म अपनाया और अपना नाम हरिहर और बुक्का राया रखा। दक्खन में इन्होंने एक छोटा सा किंगडम स्टैब्लिश किया जो कि कुछ ही सालों में एक एम्पायर का रूप ले लेता है। इस विजयनगर एम्पायर ने दक्षिण के कई ऐसे मंदिरों का जिसे इन्वेडर्स ने तबाह कर दिया था उनका जीवनोद्धार कराया। मदुरई सल्तनत के क्रूर सुल्तान को कुचलकर मीनाक्षी अम्मा मंदिर के कपाट दोबारा से खुलवाए। इसके साथ ही उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया जिसको अनेकों फॉरेन ट्रेवलर्स ने विश्व का सबसे विशाल शहर बताया। दक्षिण में अगर आज सनातन धर्म जिंदा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा इन दोनों भाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे छुपे हुए इतिहास की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में।